हेलो एवरीवन, आज हम स्टैटिक्स के फादर, स्टैटिक्स के जनक के नाम जानेंगे। इनमें कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रह जाती है कि कहीं पर कुछ नाम दिया जाता है, कहीं पर कुछ नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले फादर ऑफ स्टैटिक्स हैं जो गॉटफ्राइड, जिन्होंने एज ए सब्जेक्ट के टर्म के रूप में यूज़ किया था स्टैटिक्स वर्ड को, तो उनका नाम है गॉटफ्राइड एक्नेबोन, जर्मनी के थे जो। उसके बाद रोनाल्ड एल्मर फिशर, आर ए फिशर, जिन्हें फादर ऑफ स्टैटिकल्स मेथड या फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स भी कहा जाता है। और इंडियन फादर ऑफ स्टैटिक्स, अगर इंडिया का नाम आ जाता है तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इन्होंने भी बहुत योगदान दिया था अपना स्टैटिक्स में। सो आई होप आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी कि फादर ऑफ स्टैटिक्स में ये जो नाम है ये अलग अलग क्यों हो जाते हैं, इनके अकॉर्डिंग इनके क्या है नाम चेंज हो जाते हैं। फादर ऑफ अगर अकेला स्टैटिक्स है कि स्टैटिक्स टर्म को यूज़ सबसे पहले किसने किया था, तो गॉटफ्राइड एक्नेबोन। और अगर आए मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स, तो रोनाल्ड एल्मर फिशर। और इंडिया का नाम पूछा जाए कि इंडियन क्या है फादर ऑफ स्टैटिक्स का क्या नाम है, तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।